लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में नाहन के सिरमौर में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी मोर्चों के पदाधिकारी शामिल हुए और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने की। कर्नल धनीराम शांडिल ने यहां से जीत का दावा भी किया है। इस मीटिंग में हमारा जो सबसे बड़ा एजेंडा था वो यही था कि 2019 के इलेक्शन में हमारी क्या रणनीति रहेगी और हम अपने इन पांचों असेंबली का जो हमारी सीट्स है शिलाई और इनमें किस प्रकार से अपने बड़े ही उत्साहित जो हमारे कार्यकर्ता हैं किस प्रकार से अपना काम करेंगे। हम केंद्र में राहुल जी के प्रियंका जी के सोनिया जी के साथ मजबूत करेंगे और एक बार फिर मैं समझता हूँ यूपीए 3 के रूप में हमारी कांग्रेस से सरकार बनेगी ऐसा मैं समझता हूँ।